खबर बैराड़ से आ रही है, जहां शैलेंद्र धाकड़ ने मुख्यमंत्री के नाम SDM शिवपुरी को आवेदन दिया है, जिसमें लिखा है कि मेरे द्वारा मोटर वाटर मास्टर नामक एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसे बाजार में उपलब्ध कराने के लिए धनराशि नहीं है। शैलेंद्र धाकड़ ये प्रोजेक्ट पांडू की मोटर को, जो पानी के अंदर चलती है, कुआं, नहर, नदी, तालाब और पानी के संभल में पानी खत्म होने पर या मोटर को बंद कर देता हूं और पानी आ जाने पर मोटर को तुरंत चालू कर देता हूं। शैलेंद्र धाकड़ ये चाहता है कि सरकार से युवा इस प्रोजेक्ट किसानों के हाथों में पहुंचाने के लिए थोक में इसका निर्माण कराना होगा। उसके लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, इसलिए मुझे लोन चाहिए। इस प्रोजेक्ट के लिए लोन लेने की सहायता करने के लिए SDM शिवपुरी को मुख्यमंत्री के नाम 5 करोड़ लोन राशि उपलब्ध कराने के लिए आवेदन भी सौंपा था। अगर ऐसा नहीं होता तो मध्य प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट को अपने हैंडओवर लेकर किसी भी कंपनी के द्वारा इस मोटर वाटर मास्टर ऑटोकैड प्रोजेक्ट बनाकर किसानों एवं सरकार के लिए उपलब्ध करा सके। इस जनहितैषी प्रोजेक्ट की इनकम से मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। मेरी अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि किसी भी तरह ये प्रोडक्ट किसानों एवं सरकार के लिए उपलब्ध हो सके, जो आने वाले समय के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से किसानों एवं सरकार का रुपया एवं पानी दोनों की बचत होगी। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हिम्मतगढ़ ग्राम टाटा हिम्मतगढ़ तहसील शिवपुरी। अच्छा, आज आप एक कोई चीज़ लेके आए हो पंप जैसी, क्या चीज़ है और उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये ऑटोकट स्टार्टर है, इसे मैंने गवर्नमेंट और सरकार के लिए बनाया है। इसका उपयोग ये है कि अपनी जो पांडू वाली जो मोटर होती है, जैसे गाँव में नदी नहरों में चलती है किसानों के यहाँ, साथ में गवर्नमेंट के यहाँ भी चलती है पांडू वाली मोटर संवेलों में पानी भरने के लिए, तो ये पानी खत्म होने से पहले मोटर को बंद कर देता है और पानी आने आने को तुरंत चालू कर देता है। और इसका एक सिंगल पीस से लेकर 3 पीस और एक प्रोजेक्ट के साथ 10 मोटर आप एक साथ चला सकते हो इससे। और आज जो आवेदन ज्ञापन देने आया था, आवेदन देने आया था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, वो उसमें मेरी मांग थी कि मुझे 5 करोड़ रुपए की राशि दिलवाई जाए लोन बैंक से, या फिर गवर्नमेंट इसे अपने हैंडओवर ले ले, क्योंकि मेरी बस की बात तो नहीं है, इसके मैं मना के बेच सकूँ। तो इसके लिए आपने कोई बड़े विधायक या मंत्री या नेता अपने क्षेत्र के उनसे कभी संपर्क किया है? नहीं, इसके लिए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज है जो सतनवार RVG कॉलेज, वहाँ भी मैंने इसका डेमो दिया है और उन्होंने भी मेरे इस प्रोजेक्ट को सम्मानित किया था। तो आपने पढ़ाई कहाँ करी है? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। तो आपके मन में ख्याल कैसे आया कि मुझे इस तरह? मैं खुद किसान हूँ, मेरे यहाँ खुद कुआ और अकेला आदमी हूँ, तो इससे मुझे ख्याल आया कि मैं ज़्यादा परेशान था। इधर मोटर सिस्टम आपने पहले यूज किया आपने यहाँ? नहीं, अपने घर में यूज किया, खेतों में चल रहा है घर में। नहीं, ये कि प्रोजेक्ट इसको निकाल के बाहर ले आए, दोबारा बनाया ही नहीं है। इसमें